नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डाउटबुक पे। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 नई फटाफट खेलें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी 20 फटाफट। गूगल ने यूजर्स की लोकेशन डेटा बेचने के आरोप में एक ऐप सेफक्राफ्ट पर लगाया प्रतिबंध। कहा सरकारी संस्था और उद्योगों को लोकेशन डेटा बेचना है यह ऐप। इसरो के मिशन EOS-03 को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया बड़ा बयान। था इसरो का यह मिशन हो सकता है रीशेड्यूल। लॉन्चिंग के दौरान क्रायोजेनिक इंजन में आई खराबी, इसरो का EOS-03 सैटेलाइट मिशन हुआ फेल। इटली की मेडिकल उपकरण बनाने वाली दो कंपनियों का आविष्कार, 50 मिलीसेकंड में वायरस को खत्म कर देगा ये डिवाइस, इसे बनाने वाली कंपनी का दावा। Xiaomi ने लॉन्च किया रोबोट डॉग, कुत्ते की तरह करेगा निगरानी। साइबर डॉग की सबसे अच्छी बात क्यूट डॉग की तरह दिखता है, काटता नहीं। नासा की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर के पिघलने से भारत के 12 शहर करीब 3 फुट तक डूब जाएंगे। मध्य मैदानी क्षेत्रों पर भी पड़ेगा असर। शंघाई में खुला दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमी संग्रहालय, यहाँ करें भारतीयता का अनुभव, देखें ब्रह्मांड का नजारा। सोशल मीडिया कंपनियों की चुप्पी, कोविड महामारी के दौर से निकलने की कोशिशों के बीच वैक्सीन के बारे में गलत सूचना, दुष्प्रभाव अब भी जारी। गूगल भी लगाएगा अपना प्रोसेसर, गूगल के इतिहास में ये पहली बार जब कंपनी के खुद के स्मार्टफोन में खुद के डिजाइन किए चिपसेट होंगे। मुंबई के विजुअल आर्टिस्ट आनंद राधाकृष्ण ने जीता कॉमिक्स की दुनिया का ऑस्कर। कनाडाई यूट्यूबर जेम्स हॉब्सन ने दुनिया की सबसे चमकदार टॉर्च बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया अपना नाम। 7 साल की बच्ची बनी दुनिया के सबसे छोटी एस्ट्रोनॉमर, ब्राजील की निकोल ओलिवेरा ने नासा के लिए ढूंढे 7 नए एस्ट्रॉइड्स। अंतरिक्ष पर्यटन में भी अब धन कुबेरों का ईगो, और अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत का श्रेय लेने के इस वोट में रिचर्ड ब्रेंसन और जेफ बेजोस के साथ साथ अब एलन मस्क का सकल निवेश करीब 29,000 खरब हुआ। एस्ट्रोनॉट्स कहलाने के लिए जरूरी शर्तों में हाल ही में किया गया बदलाव। नए नियम के अनुसार अंतरिक्ष उड़ान भरने के बावजूद बेजोस और ब्रेंसन नहीं कहलाएंगे एस्ट्रोनॉट्स। वैज्ञानिकों ने पानी से बना दिया सोना, प्राग की चेक एकेडमी ऑफ द साइंस में क्षारीय धातु की मदद से किया गया था प्रयोग। आप कितने क्रिएटिव हैं, हार्वर्ड वैज्ञानिकों के टेस्ट से खुद जान लीजिए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने किया प्रयोग। व्हाट्सएप से हो रहा पलायन संभव, व्हाट्सएप की नई यूजर पॉलिसी के चलते भारत में 80 लाख लोग दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर करने लगे हैं इस्तेमाल। हुंडई करने जा रही है बड़ा इन्वेस्टमेंट, 2030 तक हकीकत बन जाएगा फ्लाइंग कार का सपना। लिंक्डइन पर बड़ा साइबर हमला, ऑनलाइन बिक रहा है 75.6 करोड़ यूजर्स का डेटा। चीन स्थित कैनन कैमरा के ऑफिस में काम करने वाले लोगों को मुस्कुराए नहीं तो ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, स्माइल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से खुलते हैं ऑफिस के दरवाजे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। और देश विदेश की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द आउटब्रेक। धन्यवाद।